નમો નમઃ છાત્ર મિત્રાણી, કોરોના વિષાણુ પ્રભાવાત સમારબ્ધેયમ ઈ પાઠશાલાયામ પુનઃ ભવતામ સર્વેષામ સ્વાગતમસ્તિ. ભવંતઃ સંધિપાઠમ પઠંતઃ સંતિ તત્ર અસ્માભિઃ અચ સંધિપાઠઃ પઠિતઃ. અસ્મિન પાઠે વયમ અલસંધેહ પાઠમ પઠિષ્યામઃ. તત્ર આદૌ સ્ચુત્વસંધેહ, સ્ચુત્વસંધૌ સૂત્રમસ્તિ સ્તોઃ સ્ચુનાસ્ચુ. આપણે અચસંધિનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા. હવે અલસંધિના અભ્યાસની અંદર આપણે જોઈએ, સૌ પ્રથમ સૂત્ર છે સ્તોઃ સ્ચુનાસ્ચુ. ત્રિપદાત્મકમ ઇદમ સૂત્રમ સ્તોઃ સ્ચુના સ્ચુ. એ સૂત્ર મેં તીન પદ હૈ. સ્તોઃ અર્થાત સકાર એવમ તવર્ગ, સ્ચુના અર્થાત ષકાર એવમ ચવર્ગ, સ્ચુઃ પુનઃ ષકાર એવમ ચવર્ગ. અર્થાત સકાર તવર્ગ કા સંયોગ જબ ષકાર ચવર્ગ કે સાથ હોતા હે, તબ સકાર તવર્ગ કે વર્ણો કા પરિવર્તન સકાર ચવર્ગ મે હો જાતા હે. અર્થાત સકાર તવર્ગ કે વર્ણો કે સ્થાન પર ષકાર ચવર્ગાદેશ હોતે હે. યહાં इसकी वृत्ति में लिखा है सकार तवर्गयो हो षकार चवर्गाभ्याम योगे षकार चवर्गौस्तः. सकार तवर्ग का सकार चवर्ग के साथ योग होने से सकार तवर्ग वर्णों के स्थान पर षकार चवर्ग आदेश होते हैं. हिंदी में भी अर्थ यहां लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं. और कौन से वर्ण के स्थान पर हो, तो हमने सूत्र एक पढ़ा है अत्संधि में, यथाशंख्य मनुदेश समानाम. जब दोनों आदेश और आदेशी समान हो तो वो क्रम से एक दूसरे के स्थान पर होते हैं. तो यहां स त थ द ध न, यह छह वर्णों के स्थान पर होने वाले वर्ण भी छह ही है, ष च छ ज ज ञ. तो क्रम से सकार के स्थान पर षकार, तकार के स्थान पर चकार, त थ च छ थकार के स्थान पर छकार, त थ द च छ ज दकार के स्थान पर जकार, त थ द ध च छ ज ज धकार के स्थान पर जकार, और न न के स्थान पर यकार आदेश होते है. ये जो दूसरा सूत्र है वो हम ये सूत्र समझ लेने के बाद समझेंगे. तो इसके उदाहरण के माध्यम से हम थोड़ा पढ़ेंगे. तो उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, उसमें फिर से हम समझ लेते हैं एक बार. स त थ द ध न का संयोग ष च छ ज ज ञ के साथ हो तो ष त थ द ध न के स्थान पर ष च छ ज ज ञ होते हैं. दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार, तकार के स्थान पर चकार, थकार के स्थान पर छकार, दकार के स्थान पर जकार, धकार के स्थान पर झकार, और नकार के स्थान पर यकार होता है. उसके उदाहरण हम समझते हैं. हरीश धन शेते, हरीश धन शेते, हरीश इत्यत्र वर्तते दंत्य शकारः, तस्य संयोगः वर्तते तालव्य शकारेण सह.
यहाँ दंत्य सकार हरि शब्द में छे, इनो संयोग ये तालव्य सकार साथे छे, एटले दंत्य सकार ना स्थान में तालव्य सकार थई जशे, एटले रूप बनशे हरिष्येते। कश दंचित कश नी अंदर छे दंत्य सकार, एनो सकार चवर्ग ना वर्णो ना साथे संयोग होवो जोईए। सकार चवर्ग नो वर्ण छे अहींया चकार। संयोग कोई पण वर्ण साथे होई सके छे, आडावड दंत्य सकारना चकार साथे होई सके छे, दंत्य सकारनो चकार साथे होई सके, दंत्य सकारनो चकार कोई पण साथे होई सके, परंतु सकार का ना स्थानमां आदेश तो तालव्य सकार ज थाय, ए याद राखवानुं। संयोग गमे तेवो आડોઅવળો હોય, પરંતુ આદેશ થવાવાળા વર્ણો છે એ તો ક્રમથી જ થાય। તો કસ ની અંદર જે દંત્ય સકાર છે એના સ્થાનમાં તાલવ્ય સકાર આદેશ થવાથી રૂપ બનશે કશ્ચિત। એવી રીતના સત ધનચિત, સત મે હે આધા તકાર ઓર ઉસકા સંયોગ હે ચવર્ગ કે ચકાર કે સાથ, તો દેખીએ તકાર કે સ્થાન પર હોતા હે ચકાર, ઇસલિયે યહાં જો ત હે ઉસકા ચ હો ગયા તો રૂપ બના સચ્ચિત। તત ધનછત્રણમ, તત ધનછત્રમ નકાર જ્યાદા હે યહાં, તત ધનછત્રમ, तो तकार का संयोग जो है वह छकार के साथ है, त का संयोग छ के साथ, लेकिन त के स्थान पर होगा क्या च, तो रूप बनेगा तच्छत्रम। यजधन नह, यजधन नह, यहाँ जो है जकार का संयोग नकार के साथ है, लेकिन परिवर्तन तो किसका होगा, नकार का ही होगा, चाहे वो पूर्व में हो चाहे पर में हो, लेकिन परिवर्तन सकार तवर्ग वर्णों में ही आएगा, सकार चवर्ग में आएगा नहीं। संयोग चाहे पूर्व पर में हो या पर्व पर में या पूर्व में, किसी भी प्रकार से, लेकिन परिवर्तन तो केवल स तथा द धन में ही आएगा। तो न के स्थान पर होगा य, तो न का य हो जाएगा और ज और य मिलके रूप बन जाएगा यज्ञ। उसी प्रकार से सतचरितम, तकार का चकार के साथ संयोग होने से तकार के स्थान पर चकार हो गया तो रूप बना सच्चरितम। एतत् छाया, तो यहाँ भी तकार का संयोग चकार के साथ हुआ तो तकार के स्थान पर हुआ चकार, तो बना एतत् छाया। तांजयति, यहाँ नकार का संयोग हुआ जकार के साथ तो नकार के स्थान पर होगा यकार, तो तांजयति। राज्ञः, तो राजन राजधन नह था, यहाँ थोड़ी भूल है, राजधन न था, तो जकार का संयोग नकार के साथ होने से नकार का यकार हो गया तो राज्य बना, और संयोग होने से रूप बना वर्ण सम्मेलन करके राज्ञः। तद्धन श्रुत्वा, तद्धन श्रुत्वा, तो यहाँ दो संधि हुई है, लेकिन हम यहाँ भी यही संधि पढ़ रहे, तो यहाँ ऐसा समझते हम तद्धन श्रुत्वा में सकार के साथ तकार का संयोग है तो तकार का चकार हो गया, और एक सूत्र है छत्व संधि का, उससे यहाँ चकार भी हुआ तो वो छत्व संधि में हम रहेंगे, तो रूप बना तच्छ्रुत्वा। सत जन, सत धन जनः, सत में है तकार, जन में है जकार, तो तकार और जकार का संयोग हुआ तो तकार के स्थान पर क्या होता है, तकार के स्थान पर होगा चकार, तो सज्जनः कैसे बनेगा, यहाँ होना चाहिए सदधनजना, तभी दकार के स्थान पर जकार होगा, तो एक संधि है वो संधि होने से जस्त्व संधि, उससे तकार का दकार होगा और फिर सदधनजना होगा तो सज्जना रूप बनेगा, वो यहाँ दकार है ऐसा ही हम मानेंगे तो सज्जना रूप बनेगा। तद्धन चित्रम, तो यहाँ भी तकार का चकार हुआ तो रूप बना तच्चित्रम। उसी प्रकार से सारंगीन जय, तो यहाँ भी जो ये नकार और जकार का संयोग था तो नकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया तो रूप बना सारंगीन जय। ये स्चुत्व संधि का नियम है, लेकिन ये स्चुत्व संधि कहाँ नहीं होती है तो उसका भी एक विशेष अपवाद है, वो अपवाद ये है सात, सात परस्य तवर्गस्य स्चुत्वम न स्यात्, सात परस्य तवर्गस्य स्चुत्वम न स्यात्, बाकी सभी कोई भी वर्ण हो तो होगा तो संधि यह होगी, लेकिन यदि सकार से पर में
तवर्ग का वर्ण है, तालवीय शकार से पर में यदि तवर्ग का वर्ण है तो यह संधि होगी, नहीं ये इसका अपवाद है। तो ये अपवाद भी हमें याद रखना है कि यह संधि कब नहीं होती है। तो विष्ण और प्रश्न है, इसके दो उदाहरण है। तो विष धन्य, तो विष में है तालव्य सकार और उसके पीछे तथ दधन तवर्ग का अक्षर है न, तो यहाँ तवर्ग का और शकार का संयोग होने से प्राप्त था नकार को यकार, तो विष यह बन जाना चाहिए था, लेकिन शात सूत्र से उसका निषेध हो जाता है, इस नियम से उसका निषेध हो जाता है, तो नकार का यकार नहीं होता, तो विष्ण ही रूप रहता है। उसी प्रकार से प्रश्न, तो प्रश्न न, तो प्रश में भी यहाँ शकार के पीछे तवर्ग के नकार का संयोग है, यहाँ भी नकार का यकार प्राप्त था जो इस नियम के अनुसार उसका निषेध हुआ और प्रश्न रूप बना। तो इस प्रकार अन्य भी उदाहरण है, वह आप ढूंढकर अपनी यह संधि दृढ़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामात चलितः, तकार के स्थान पर चकार आदेश होने से ग्रामात चलितः, हरिश धन छत्रधरः, हरिश के सकार के स्थान पर हम तालव्य सकार कहेंगे तो हरिश छत्रधरः, ईश्वरात जगत धन जायते, जगत धन जायते तो तकार के स्थान पर चकार होगा, जगत के तकार के स्थान पर दकार होगा और दकार के स्थान पर जगार, जगत जायते ऐसा रूप बनेगा। तो इस प्रकार से आप अन्य उदाहरण ढूंढ करके इस संधि को दृढ़ कर सकते हैं। तो यही स्तुत्व संधि का नियम है और हम अगले पाठ में स्तुत्व संधि का नियम पढ़ेंगे। नमो नमः अस्तुतावत।